नाना पाटेकर जी को गाली दे दी, मीडिया से सपोर्ट कर रही है, क्यों क्यों सपोर्ट कर रही है? मैं गवाह हूं और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहती हूं कि मैं एक एक शब्द जो बोल रही हूं बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखा था। मैं आज भी कहती हूं वो गाना मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती करना पड़ा। क्यों? मास्टर जी की इज्जत रखने के लिए, नाना पाटेकर जी की इज्जत रखने के लिए, प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए मैंने गाना किया वो। और वो एक नंबर की झूठी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैं अमेरिका में थी, ये लड़की तनुश्री दत्ता अमेरिका में क्या कर रही? तुम्हें लगता अमेरिका में जॉब कर रही हूं? अरे उधर से झूठे मार के तुझे निकाला है तनुश्री दत्ता, बिंदु के घर में तू रुकी थी वहां। क्यों पटा कर रहे हो भाई? बिंदु वहां पे अमेरिका में, बिंदु के घर में आप रुकी थी वहां, और वहां पे ड्रग्स लेके बेहोश होती थी वहां पे, उसकी बेटी को भी सिखा दिया, और तुम वहां पे रुकी थी। न्यूयॉर्क में बिंदु रहती है, मेरी फ्रेंड ने उसको एक महीना रखा और वो वहां पे रोज ड्रग्स ले रही है, उसको घर से बाहर निकाला। ये अमेरिका में भरत गोराड़िया नाम का उसका मैनेजर है वहां पे। जब मैं वहां पे एक डेढ़ महीना रही तो मैंने देखा कि भरत गोराड़िया सबसे भीख मांग रहा है कि तनुश्री दत्ता को आप काम दो, काम दो, काम दो, प्रेजेंट दो, ये दो, वो दो, वहां रखो, इसके घर में रखो, कभी उसके घर में रुक रही है, किधर, कोई जॉब नहीं कर रही है, वहां भटक रही है पागलों की तरह। 10 साल कोमा में थी क्या तू? 10 साल कहां थी तू? कहां थी? झूठ बोल रही है तनुश्री दत्ता, झूठ बोल रही है क्या? तुझे नाना पाटेकर ने छुआ? अभी तेरे में हीरे लगे हैं क्या? झूठी कहीं की? नाना पाटेकर जी जो है लेजेंड है हमारे महाराष्ट्र के फिल्मों के और हिंदी बॉलीवुड के। तेरी औकात भी नहीं कि तेरे मुंह से तू उसका नाम भी ले? रिस्पेक्ट कर, हम मराठा है, हम सबकी इज्जत करते हैं। तू कल की आई हुई और गालियां दे रही है, तुझे क्या लगा कि तू 10 साल के बाद आएगी, मीडिया का सपोर्ट लूंगी, कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन बनूंगी, फिर से फिल्मों में आ जाऊंगी? फिल्मों में तेरा मोस्ट वेलकम है, फिल्म इंडस्ट्री सबकी है, बट तू मीडिया का गलत नाजायज फायदा मत उठा। और मीडिया वालों को भी काम क्या है? क्या काम है? हाँ, कोई भी बड़ी हीरोइन आके बोलेगी कि मेरे साथ मोलेस्ट्रॉल हुआ, ये हुआ 10 साल के बाद है। 10 साल 12 साल पहले मेरे साथ भी मिक्का ने किया था, तो आज 10 साल के बाद वापस मैं आऊं बोलू कि मेरे साथ ऐसा हुआ? ठीक है, मैं मानती हूं हमारा लॉ है कि कुछ सालों के बाद आप वापस केस ओपन कर सकते, उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। इतना भी मतलब इतना भी बर्दाश्त के बाहर ना हो कि औरत सर पे मुंहते है ना। तुम नाना पाटेकर जी को, इतने शरीफ इंसान है वो, गाना तो मैंने भी किया ना नाना पाटेकर जी के साथ, गाना तो मैंने भी किया ना, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा मैं सर को कह रही थी सर कोई बात नहीं हम लोग गाना कर रहे हैं, सर तुम्हें मुझे मराठी तुम्हें संगीत लो, सर तुम्हें मला मुझे कंफर्टेबल काई नहीं वो तो देखिए नाना पाटेकर जी की जो एंग्री की भूमिका है ना वो फिल्मों में है, समझ गए? फिल्मों में है। पर्सनली नाना पाटेकर जी बहुत सॉफ्ट इंसान है, सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। छूटा तुमको, तुम 10 साल गायब थी, 10 साल में तुम्हारा वेट बढ़ गया, 10 साल में तुम्हारा काम छिन गया, तुम भिखारन हो गई, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तो तुमको किसी ने चढ़ाया अमेरिका में या किधर, तो तुम मुंबई में आके मीडिया का सहारा लेके तुम कॉन्ट्रोवर्सी कर रही हो, तो कॉन्ट्रोवर्सी इतना करना, जाओ बिग बॉस हाउस में ना। आप उसके ब्लड अभी भी चेक कराओ, मैं कहती हूँ आप ब्लड चेक कराओ, और मैं ये कहती हूँ कि उसके पास कोई भी सबूत है तो राखी सावंत हिंदुस्तान छोड़ के जाने को तैयार है, एक सबूत लाके दिखाए वो। नाना पाटेकर देखिए डांस इंसान करता है, एक सेलिब्रिटी है, दोनों डांस करता, तो क्या तनुश्री पाकिस्तान में खड़ी हो और नाना पाटेकर इंडिया में खड़े होकर डांस करेंगे क्या? आइटम सॉन्ग है तो आप साथ में खड़े होकर डांस नहीं करोगे? थोड़ा बहुत छूना होना नहीं होगा? मेरे को छू लिया, तेरे में कोई नूर हीरे लगे हैं? नाना पाटेकर जी ने कितनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। मास्टर जी, मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि उसने मास्टर जी को भी गालियां दी, उन्होंने प्रोड्यूसर को भी गालियां दी, अभी तो ट्विंकल खन्ना को भी गालियां दे रही है।
हालांकि ट्विंकल खन्ना ने उसको ट्वीट किया ना कुछ, उसको सपोर्ट किया, तो ट्विंकल बोलता मुझे किसी की सिंपति नहीं चाहिए, बोलो कि वो अक्षय कुमार को बोलो कि किसी के साथ तेरे बाप का है क्या। फिल्म इंडस्ट्री, नाना पाटेकर जी ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, तू कौन होती है एक झटके में उनके बारे में बुरा बोलने वाली। प्लस राज ठाकरे जी को गाली दिया, क्या 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 बोला, क्या इनकी औकात है, ये है वो है, इतना गंदा। मुझे कहती है कि मुझे रिप्लेस किया तो किसने किया, राखी सावंत ने, जिसका कोई क्लास ही नहीं है। तेरी माँ की आंख हराम खोर, हाँ मेरी कोई औकात नहीं, हाँ मैं लोअर क्लास हूं, तू क्या है चरसुल्ली गर्दुल्ली, तू क्या है, हाँ तुझे दो क्लास तेरे बाप ने, तेरे माँ बाप ने तुझे इंग्लिश सिखा दिया, तो हमको आके पढ़ाई पट्टी पढ़ा रही है और चैनलों में बैठ के झूठ बोल के गालियां दे रही है। मैं हूँ लो क्लास, तू तो हाई क्लास है ना, तूने क्या किया, मैं हूँ, मेरा कोई कैटेगरी नहीं है, मैं मानती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन तेरे से ज़्यादा काम किया है ईमानदारी से, तेरी तरह नहीं डोप और ड्रग्स ले लेके काम नहीं किया है, समझी। एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। एक ट्वीट भी आया था उस टाइम पे, जो एक रिपोर्टर थी वहां पे गई थी सेट का कुछ सॉन्ग कवर करने के लिए, उन्होंने कहा कि उनके साथ एक्चुअल में हुआ है, तो आप उनको क्या कहेंगे, क्योंकि उससे वो स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट एडी भी निकल के आए जिन्होंने उन जर्नलिस्ट को सपोर्ट किया, कहके कि मैं भी वहां थी और ऐसा, और एक्चुअल में वैसा हुआ था, और उनकी मम्मा आई थी। क्या बात कर रहा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। 100 डांसर है, 200 पूरा यूनिट है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, सब है, क्या नाना पाटेकर जी ऐसा करेंगे, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ एक रिपोर्टर की वजह से आप बोल रहे हो, एक रिपोर्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं, आप क्या एक असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टर, दूसरे सब झूठ, 500 यूनिट झूठे और तुम्हारे ये दोनों सच्चे, क्या बात कर रहे हो, रिपोर्टर है मतलब भगवान हो गए, नहीं बहन ये गलत है, नहीं जो भी है, नहीं नहीं कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है तनुश्री दत्ता को, वो सिर्फ सिंपति दिखा रहे बॉलीवुड वाले, यू नो क्यों दिखा रहे, उनको लगा कि चलो, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, 10 साल पुरानी स्टोरी है, उनको ऐसा लगा अच्छा ऐसा हुआ है क्या किसी लड़की के साथ, तुम लोग मीडिया वाले यही, तो अगर आप सिंपति ना दिखाओ तो कहेंगे कि जैसे तुम लोग को मुंह तोड़ जवाब अमिताभ बच्चन जी ने दे दिया, तो जैसे अगर संपत्ति ना दिखाओ तो अरे देखो ये हीरो ने किसी विमेन की रिस्पेक्ट नहीं की, तो उन्होंने न्यूट्रल कहा कि अगर किसी लड़की के साथ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस तनुश्री दत्ता नहीं भी होती तो भी सपोर्ट करते, यू नो अगर किसी लड़की के साथ बुरा हुआ है तो ये गलत है, लेकिन उन्हें ये नहीं कहा कि नाना पाटेकर जी ने गलत किया, जब नाना पाटेकर जी ने गलत नहीं किया तो नहीं किया है, अगर उनको करना होता तो मेरे साथ भी करते, और 1000 हीरोइन है माधुरी के साथ भी करते, उन्होंने इतनी फिल्में करी उनके साथ भी करते, तनुश्री दत्ता के साथ क्यों, उसको ये गाना नहीं करना था, उसको डोप लेके बेहोश होना था, आज भी मैं कहती हूं इमिग्रेशन वालों से जब वो यहां से यूएस जाते उसका बैग चेक करो, अंदर देखो क्या क्या मिलता है, उसका बॉडी चेक करो, और शिल्पा शेट्टी का बिचारी का लेना क्या देना नहीं ऑस्ट्रेलिया में, उसकी बैग चेक कर रहे, ये जो कल्पिट है इसको चेक करो ना, इसका ब्लड चेक करो कितना ड्रग्स मिलेगा, देखो और गाली दे रही है, ये उसके ये कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है, वो उसको वो नाना पाटेकर के साथ आप काम क्यों कर रहे हो, रजनीकांत ने ब्रेक दिया तुझे जलन हो गई, अक्षय कुमार काम कर रहा है तुझे प्रॉब्लम है, तुझे जलन हो गई, तुझे कोई काम नहीं दे रहा, तू मोटी भैंसों के बैठी है ड्रग्स ले लेकर, हाँ दुनिया के घर खराब कर रही है, अमेरिका तो खराब करके आई, कहती आई डोंट लीव हियर आई लीव इन अमेरिका आई एम हियर फॉर विजिट, एक्सक्यूज मी अमेरिका अमेरिके इंडिया की बुराई कर रही है, इंडिया के बॉलीवुड की बुराई कर रही है, हाँ कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, तू सती सावित्री है, बहुत सती सावित्री है, तू बहुत सती सावित्री है, तेरा रिकॉर्ड अमेरिका वाले जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो जानते हैं तू क्या करती है वहां, मैं मीडिया वालों को एक एक के नंबर दूंगी, कैसे वहां पर तू पैसा चुराती है, कैसे ड्रग्स लेती है वहां, कैसे लोगों के घर में रहती है भीख मांग मांग के अमेरिका में, आई विल स्टे हियर फॉर अ मंथ, और मंथ में ही तू कांड कर देती है। तनुश्री दत्ता तुझे क्या लगा कि तू बकवास करेगी मीडिया में बैठ के, यहां पे कोई तुझे जवाब देने वाला नहीं है, तेरी मां बैठी है इधर हराम खोर और झूठ बोल रही है,
गाली दे रही हूं तुझे, क्योंकि तूने मेरे बॉलीवुड को गाली दी है, तूने बदनाम करने की कोशिश की है मेरे बॉलीवुड को, और जहां से हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारी रोजी रोटी है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बदनाम कर रही है हमारी बॉलीवुड को, खुद पूरी दुनिया घूम रही है, टकली होकर संन्यास लेकर बैठ गई पहाड़ों पे, कोई बर्फ में कौन बैठेगा, जब तक डोप नहीं लेंगे कैसे बैठेगा यार। मैं यहां पे सबको बोलती हूं एक दिन जाके बैठ के दिखाओ। नाना पाटेकर जी तुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो शरीफ इंसान है, गणेश आचार्य तुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो शरीफ इंसान है, तुझसे तो मैं निपटूंगी, समझी। अरे मेरे को एक्शन लेने के, मुझे ना पुलिस के पास जाने की जरूरत है, ना कोर्ट, ना कहीं, ये है ना मीडिया, आज तो यही सबके भगवान है, जब उसको बिठा दिया ना तो पहुंचाइए मेरा सारा मैसेज, पहुंचाया उसे, आए सामने मेरे सामने, तेरी औकात है तनुश्री, तू सामने आ मेरे, एक ना तेरे कान के नीचे चमाट लगाया ना मैंने तुझे, राखी सावंत ने, झूठी, तुझे पब्लिसिटी चाहिए तो तू जाना बिग बॉस में, वहां पे चिल्ला चीख, वो शो तेरे लिए ही बना है, तू झूठा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, गणेश आचार्य जी, नाना पाटेकर जी, सबको बदनाम मत कर झूठा, और तू 10 साल के बाद आ रही है हिंदुस्तान में, तब बदला नहीं ले सकी, भाग गई भगौड़ी, तो तुझे क्या दाऊद अब्राहिम जी का सपोर्ट मिला है या डोनाल्ड ट्रंप जी का सपोर्ट मिला है? डोनाल्ड ट्रंप जी ने तुझे कहा है यू गो टू इंडिया आफ्टर 10 years एंड गो ऑन बजाओ बैंड टू बॉलीवुड, आई एम विथ यू, आई विल टेक यू बैक इन अमेरिका, रियली तुझे क्या लगा? राज ठाकरे जी तुझ जैसी लड़की के मुंह नहीं लगते, और जिस दिन लग गए उस दिन तेरे लग गए, समझ गई? तो राज ठाकरे जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, वो तो तेरे बारे में जानते भी नहीं होंगे, और एमएनएस के लड़कों के बारे में बोलना भी मत, एमएनएस के बारे में बोलना भी मत, मेरे ख्याल से उस टाइम एमएनएस के कार्ड नहीं बने थे, जब उस टाइम पे सिंटा का ही था, अगर आप देखो 2008 समथिंग या उस टाइम पे हाँ एमएनएस तो थी भी नहीं, मतलब उनके उनके भी कार्ड एसोसिएशन के है ना, तो आई डोंट थिंक सो के थे, तो कैसे ये बोल सकती कि एमएनएस वालों ने आके मुझे मारा? तेरे पास प्रूफ है? तेरे पास आज तो अच्छा मैं एमएनएस पार्टी में नहीं हूँ, तेरे से ठुकाई करती, तेरे घर में घुसो तेरी ठुकाई करती मैं, अगर मेरी पार्टी के बारे में तूने थोड़ा भी बोला होता तो। हिंदुस्तान की तू यहाँ पे खा नहीं रही है, इसका मतलब है नहीं कि तू वहां पे आके यहाँ पे उल्टियां करेगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे, नॉट एट ऑल, आई विल गिव यू बैक, गॉट इट? मुझे कहती है लोअर क्लास, मैं हूं, मुझे कहती है चिप, मैं हूं, तू बहुत हाई क्लास है ना, तूने तेरी औकात दिखा दी इंग्लिश में बोल बोल के, और मीडिया वालों ने तुझे सर पे बिठा लिया बिकॉज तू इंग्लिश में बोल रही है। और मीडिया वालों ने ठीक है हर जगह तुझे पब्लिसिटी दी, मैं मानती हूं मीडिया का तो काम है कि जो बोलता है वो दुनिया को दिखाना है ना, और अगर यही नॉर्मल इंसान होता तुझे छेड़ा होता तो मीडिया वाले दिखाते भी नहीं, क्योंकि एक टारगेट तूने किया एक सेलिब्रिटी के, बड़ा स्टार नेम वहां पे, यू नो वहां पे टारगेट तूने किया, इसलिए न्यूज बज तो हो रहा है ना, और मीडिया को तो चाहिए ना जीआरपी टीआरपी उनकी तो चाहिए, क्या करेंगे, तो जा तू और ले ले, तो किस तूने नाना पाटेकर जी, गणेश आचार्य, किसी का भी कुछ उखाड़ नहीं सकते तनुश्री दत्ता, और तेरे में हिम्मत है, तेरी माँ का दूध तूने पिया, आ मेरा उखाड़ के दिखा, कहती है ना तू यहां, मैं यहां नहीं रहती, इंडिया में नहीं रहती है ना, भाग, चल निकाल अमेरिका, चल, बॉलीवुड को बदनाम करती है, बॉलीवुड को बदनाम करती है तू। वो तो उस टाइम पे भी उसने मुझे सू किया था, मैं कुछ नहीं बोली, मैं 10 साल तक कुछ नहीं बोली, मैं उस टाइम भी कुछ नहीं बोली थी, मैं अपना काम करती हूँ, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ है ना, मुझे मालूम है मेरे में डांस है, टैलेंट है, मेरा टैलेंट, मेरा ह्यूमर, मेरा बोलना बिकता है, मुझे किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है दोस्तों, और या मैं अगर मुझे लोअर क्लास बोलते हैं ठीक है मैं हूँ,
मुझे कोई कितना भी बोलते उसके बोलने से मेरे शरीर पे कुछ हो नहीं जाता है. मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये मैंने यू नो ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं 2-3 दिन से खामोश रही. पहले मुझे लगा कि मुझे नहीं जवाब देना चाहिए. बड़ा हद हो रहा है. वो हर जगह बकवास कर रही है. इतना गंदा गंदा जिसकी औकात नहीं है. इसको कौन पॉलिटिशियन में डाला. अभी गधी तू है कौन बोलने वाली. सबका अपना अपना है. कल मीडिया वालों में अगर हिम्मत है, मीडिया वाले जो लोग मिलते हैं तुम लोग में हिम्मत है, उसको एक महीना घर में रखो. नहीं, तनुश्री दत्ता ने बोला एक महीने के बाद कि तुम इसने मेरे को ये एंकर ने मुझे घर में रखा, इसने मेरा रेप किया. ये बोलेगी. ये है पागल एड़ी चरसुल्ली गर्दुल्ली है. ये जरूर बोलेगी. और मीडिया वाला बेचारा वो खामोश रह जाएगा. ये सब पे इल्जाम ही लगाती है हमेशा. मैं चाहती हूँ कि उसको बिग बॉस 12 मिले, 13 मिले, 14 मिले, 15 मिले. क्योंकि जिस तरह से वो आके कर रही है यू नो, तो उसको मिले ना काम. लेकिन तुम बॉलीवुड की बुराई करके काम नहीं हासिल कर सकते हो. यू गॉट इट? हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया तुम्हें बोलने का अधिकार है. पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट है. हाँ हाँ हाँ, इसने बोला कि पुलिस स्टेशन में गई थी, पुलिस को राज ठाकरे ने खरीद लिया, नाना पाटेकर ने खरीद लिया और राखी सावंत ने खरीद लिया है. पुलिस ऐसी है क्या हमारे हिंदुस्तान की? बताओ, या तो आप लोग बोलो पुलिस गलत है. क्या किसी एक लड़की का हेल्प नहीं करेगी? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जब कुछ नहीं मिलता तो केस बंद हो जाता है. जबरदस्ती तो अंदर नहीं डालेंगे ना. कल मैं मीडिया के सामने आके बोलूं कि राहुल गांधी ने मेरा रेप किया है, क्यों हंसे ना? हंसे ना? राहुल गांधी कहां मिले, क्या मिले? मैं कल उनके साथ जाके फोटो खिंचा लूं. कल बोलूं कि कल रात को मुझे बुलाया, मेरा रेप किया, मानोगे? मान भी सकते आप राखी सावंत? नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी. मैं अपना बचाव करना जानती हूं. मैं क्यों किसी पॉलिटिशियन को जिन्होंने अपनी इज्जत बनाई है उसका नाम मैं क्यों खराब करूं? मैं बोलूंगी नहीं, ये झूठ बोल रही है, इसके पक्ष में कोई आ नहीं रहा है. देखो, मैं मानती हूं ट्विंकल खन्ना ने, सोनम कपूर ने, स्वरा भास्कर ने, हाँ फरहान अख्तर ने, इन लोग को सच्चाई मालूम नहीं है ना. आजकल सोशल मीडिया बहुत ओपन है हर जगह. इन्होंने अपना एक ट्वीट किया है, इन्होंने अपना एक सिंपथी दिखाई है कि बॉलीवुड में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो दैट इज वेरी मतलब किया कि तनुश्री दत्ता के साथ हुआ है. नहीं, फिर तो सपोर्ट तो प्रधानमंत्री भी करेंगे, है ना? किसी भी लड़की के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए. मैं राखी सावंत हमेशा हर लड़की की इज्जत करती हूं, उस लड़की के लिए मर मिट जाती हूं. लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो सर पे मूते, प्लीज. और मैं हमेशा अपफ्रंट रही हूं, इसलिए तुम लोगों को चुपती हूं कि ये इतना बिंदास कैसे बोल लेती है. मैं बोलती हूं, मेरे में हिम्मत है, मेरे पिछवाड़े में हिम्मत है, मैं बोलती हूँ. राकेश जी, अगर बॉलीवुड ने आगे आना चाहिए आपको लगता है नाना पाटेकर के सपोर्ट में, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा? देखिए, पहली बात मैं सच बोलूं तो अगर बॉलीवुड, आप लोग मीडिया से डरता है, क्योंकि आप वो अगर अगर वो तनुश्री दत्ता को सपोर्ट ना करे तो भी बुरे बनाओगे. आप बोलोगे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इस एक्टर ने इस लड़की को सपोर्ट नहीं किया है. अगर सपोर्ट कर दिया तो वो माय गॉड व्हाट अ सिंपैथी ऑल बॉलीवुड इज गिविंग टू हर. उसको बेचारे को, नाना पाटेकर को अपने हाथों से गणपति बनाते हैं, पूजा करते हैं, अपना बेटा है, कल उसकी बहू आएगी. यू अंडरस्टैंड? उनका भी एक फैमिली है. और वो इतने साल बॉलीवुड को दिए है उन्होंने, इतना अच्छा काम किया मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में. एक झटके में एक लड़की आके उनकी जिंदगी को खराब कर देगी? क्या ये मीडिया उस लड़की को सपोर्ट करेगा, पागल लड़की को? वो मेंटल को सपोर्ट करेगा क्या? मीडिया तो दूध का दूध पानी का पानी दिखाता है. क्या मीडिया सच नहीं निकालेगा? क्यों बात करे वो, जब वो कह रहे कि मैंने नहीं किया? वो कोर्ट में बात करेंगे, मीडिया में क्यों करेंगे बात? ना बोला है उन्होंने, एक फोन कॉल पे इंटरव्यू पे बोला है उन्होंने कि मुझे मालूम नहीं ये क्यों बोल रही है. देखो, 50-100 लोग वहां पर थे. हां, ये बात बोल. सी, ही इज इनोसेंट यार. और वो शायद लीगल एक्शन भी लेंगे. फिर वो मीडिया में क्यों आएंगे नाना पाटेकर जी?
आप बातों का बतंगड़ बनाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, इसको सबक सिखाएंगे गधी को। पहली बात तो इसका यूएस का वीजा कैंसिल होना चाहिए, ये यूएस नहीं जा सकती जब तक कि यहाँ पे प्रूफ ना हो जाए। नाना पाटेकर वो कहते ना ही शुड अपोलाइज, हु कौन अपोलाइज, कौन माफी मांगे तुझसे पागल एड़ी। नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, राज ठाकरे तुझसे माफी मांगे, तू आके अंग्रेजी में इधर पड़ 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 बोलेगी बगैर मतलब के, येड़ी तू मेरे सामने आ, मैं तुझे ऐसा पीटूंगे ना, तुझे पता चलेगा कि किसी भी इल्जाम झूठा लगाना क्या होता है। तनुश्री को अगर और किसी का भी नाम दे सकते, लेकिन अरे 10 साल पहले जब ये भागी थी ना तो लास्ट उसकी शूटिंग वही थी, उसके बाद उसने 2-3 फिल्में ट्राई करी थी, कितना झूठ बोलती है, कहती कि मेरे मेरी बहन, शी वॉज शॉक्ड, माई मदर फादर वॉज शॉक्ड, या टू सी यू लाइक दिस, टकली हो गई, जाके संन्यास ले लिया, ड्रग पी रही है उधर कहाँ कहाँ, भूटान वूटान पता नहीं जहाँ कहाँ कहाँ जाके बैठी है, नेपाल वेपाल में, वो उससे शौक थे, इससे शौक नहीं थे। कहती उसने कभी एक्सपोज नहीं किया, जाके कौन सी एक फिल्म थी, आशिक बनाया, जाके उसमें देखो चुम्मी चाटिया, देखो इसकी घटिया हरकतें, कपड़े कितने उतारे, घटिया हरकतें देखो इसकी, देखो ना वो प्रोमो लगाओ, क्या मीडिया को साफ सुन गया, मेरी बातों का जवाब दो मीडिया प्लीज, क्या वहां पे इसने दूसरे हीरो के साथ सोनू सूद था हीरो, इमरान हाशमी, ओह माय गॉड, इमरान हाशमी है, कितनी किसे करी, गिनो ये एक ये दो ये तीन, कितनी किसे करी है। नाना पाटेकर थोड़ा कमर पे हाथ रख के डांस करना पड़ेगा ना यार, है डांस नहीं करेंगे जब आप साथ में को एक्टर काम कर रहे, आप रिहर्सल नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, बताओ अगर ऐसा होगा तो बॉलीवुड में कौन सा स्टार कैसा विश्वास करेगा, किसी लड़की को कैसे चांस देगा, क्यों बदनाम करते हो, तुम्हारी खुजली के चक्कर में बॉलीवुड को बदनाम क्यों कर रहे हो। मैं मानती हूं कुछ गंदे लोग हैं, सब नहीं है, ये पूरा पब्लिसिटी है पूरा, उसको किसी ने चढ़ा के भेजा, उसके पास बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, उसको यूएस सब जगह से भगा दिया, झूठ बोलती वहां पे, वो जॉब कर रही है, कोई जॉब नहीं कर रही है, और इधर पैसा सब खत्म हो गया है, यहां पे आके कि उसको उसको किसी ने बोला है कि बाय द वे आपको बता दूं इसमें रिमी सेन भी है फिल्म में, है ना, उसने भी उसको समझाया था, दोनों बंगाली बंगाली है, अभी भी नहीं समझी, उसको गाना नहीं पसंद था इसलिए उसने डोप लेके बेहोश हो गई, और वो गाना, सॉरी मास्टर जी, गाना मुझे भी नहीं पसंद था लेकिन मैंने किया जान बचाने के लिए प्रोड्यूसर की, मैंने बोला चलो इतने हिट मैंने दिए, एक गाना फ्लॉप हो जाता क्या फर्क पड़ता है। राखी जी, जो ये तनुश्री बोल रही है कि सोलो सॉन्ग था, और नाना जी और गणेश जी बोल रहे कि डुएट था, तो आपने भी किया तो डुएट ही था, ये डुएट सॉन्ग था वो, कितनी राम खो रही है लड़के के जो लिरिक्स, मेरा बाप आपके गाना गाएगा कि तेरा बाप आएगा गाना गाने के लिए, आप देखो मैं आपको गाना भेजती हूँ, किस किस को भेजा है मैंने गाना, मेरा भेजा है क्या, हाँ मेरे पास गाना है, राखी सावंत वो हॉर्न होके प्लीज गाना डालो, उसमें लिरिक्स है नाना पाटेकर के, कौन गाएगा आदमी की आवाज में लिरिक्स, कौन गाएगा, उसका सिचुएशन देखो ना, उनकी जो वो गाड़ी होती है होनो के प्लीज के ट्रक होता है, उसका बर्थडे होता है, उसके चक्कर में वो आइटम सॉन्ग होता है। 104 बुखार था मुझे उस दिन, 104 बुखार में मैंने ये गाना किया है, मेरा सब सूजा हुआ था, मैं मुझे पता है, और जिसमें बीतती है ना वही जानता है, मुझे एक एक चीज याद है। हेलो तनुश्री दत्ता येड़ी बोका सब याद है मुझे आज भी, 104 बुखार था वो गाना मैंने किया था प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए। तेरे को रिप्लेस कौन ऐश्वर्या राय करेगी, तेरी इतनी औकात है, मुझे रिप्लेस किसने किया। उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तनुश्री का कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था जिसमें कह रही थी पब्लिसिटी की बात आई थी, बोली नहीं मैं तो यहाँ पे छुट्टी के लिए आई हूँ,
मैं वापस ले जाऊंगी, मुझे कोई फिल्म नहीं करना। हाँ, वो तो उसके बोलने से क्या बोलती है, वो कहती कि मैं मोदी जी की बीवी हूँ, मान लोगे तुम लोग मान लेते हो मीडिया वाले। मैं कहती मैं मोदी जी की बीवी हूँ, तनुश्री दत्ता कल कहेगी, वो तो पागल है एड़ी, चार डोप लगा लेगी आके बोलेगी, तो मीडिया वाले पागल हो जाएंगे, हो बोला बोला। अरे मोदी जी को तो पूछो, कमाल है यार, मतलब उसने पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया और राखी कुछ करे तो पब्लिसिटी स्टंट है ना, ये तुम्हारा दोगलापन है ऐसा। क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं, मेरा कोई एडुकेशन नहीं इतना, तो मुझे गिराओगे और वो कुछ पता नहीं क्या पढ़ के आई तो उसको उठाओगे। तुम लोग आज भी गुलामी कर रहे हो अंग्रेजों की, गलत है ना? नहीं नहीं, हम लोग थोड़ी ना टोटली बिलीव कर रहे हैं। थैंक यू। एक साइड ले रहे हैं, हाँ, दूसरा साइड। तो जवाब मिला ना आपको? नहीं, वो पूरा पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। उसको आना है बिग बॉस में, ए बिग बॉस 12, ए बिग बॉस वालों, ये गधी को ले लो अंदर, इसलिए तो ये कर रही है सब, ले लो इसको, पगला जा रही है, दूसरे सारे वीडियो के नाम ले रही है, ले लो इसको। चलो हो गया क्या? अगर नाना पाटेकर लीगल एक्शन लेंगे तो आप और पूरा बॉलीवुड उनको सपोर्ट करेगा आपको? मैं मरते दम तक, मेरे कब्र में जाने तक, मैं नाना पाटेकर जी को, राज ठाकरे जी को सपोर्ट करूंगी, इसीलिए क्योंकि वहां पे एमएनएस को कोई नहीं आया था, इतनी पब्लिक आई ना, मीडिया आई ना, पहुंच गई तो उसे लगा, और उसका बॉय गाड़ी में ड्राइवर सब पता नहीं क्या तोड़फोड़ हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि इतने लोग, उसने तो मेरे ख्याल से ड्राइवर ने एक बार एक कैमरामैन था उसको भी लग गया था उस टाइम पे। हाँ हाँ लगा था ना, देखो मुझे कैसे याद है, तुम लोग ने आके बताया मुझे याद है, तो उसको भी लग गया था, उसके ड्राइवर ने जबरदस्ती गाड़ी चलाने की कोशिश की थी। मैंने मास्टर जी को फोन किया, अगर सच्ची बात एक बात बताऊं तो मास्टर जी को मैंने फोन किया, मास्टर जी बोले देखो यार दुनिया ऐसी है, किसी का अच्छा करने जाओ ऐसे हमारा नाम बदनाम करते, बोले परमेश्वर है राखी वो सब देख रहा है। मैंने कहा मास्टर जी परमेश्वर आएगा तो बाद में, पहले परमेश्वर की चेली है ना, जाके उसको पहले धोएगी, हर वक्त पे परमेश्वर नहीं आ सकता ना, तो ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना जरूरी है। मेरी बात हुई है उनसे? राखी जी थोड़ा सा अलग सवाल है, आपने हाल ही में इंस्टा पे एक वीडियो डाला था, कौन सा? अपने डोनेट के लिए जी, तो पब्लिक ने उसको बहुत थोड़ा सा ट्रोल वगैरह किया, तो उसके बारे में क्या कहना? पब्लिक के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही, प्लीज, वो मेरी मर्जी है, मेरे बुब्स है ना, मैं डोनेट करूँ या कुछ भी करूँ मेरा अपना प्रॉब्लम है, जब येलो कॉकल नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तुम लोग ने ब्रेस्ट टिश्यूज के बारे में किसी ने सुना है? नहीं सुना होगा, सुना है? जब तक कोई अंग्रेज बाहर से आके नहीं बोलेगा, अंग्रेज आके कोई बड़ी हीरोइन आके बोले ओह माय गॉड वाओ, जब एक इंडियन तुम्हारी लड़की बोल रही है कि मैं मेरे मरने के बाद मैं अपने ब्रेस्ट टिश्यूज, टिश्यू बोलोगी तो आप लोग ये टिश्यू समझोगे है ना, तो ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं ना, जब किसी को, महिला को, सुन लो कान खोल के, महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसका ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, उसमें टिश्यूज होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी लड़की ने उसको टिश्यूज दे दिए, उसके अच्छे टिश्यूज, अगर